dear students, in my last lecture, I discussed the concept of macroeconomics and its components. I also talked about the major sectors of the economy. एक इकोनॉमी के मेजर सेक्टर्स होते हैं हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर. देन आई डिस्कस विद यू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक लाइफ. मैंने आपको यह बताया कि देर आर टू सर्कुलर फ्लोज ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, देर आर टू सर्कुलर फ्लोज ऑफ इनकम. नंबर वन द रियल फ्लो, जिसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, एंड द सेकेंड इज मनी फ्लो, जिसको हम नॉमिनल फ्लो बोलते हैं. रियल फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें या तो फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन फ्लो करते हैं हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ, और फिर फर्म्स की तरफ से जब वो प्रोड्यूस कर लेते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन की मदद से, तो वो जो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को कंजम्पशन करने के लिए देते हैं, ये दोनों फ्लोज को फिजिकल फ्लो बोलते हैं. लेकिन और इसको रियल फ्लो भी, लेकिन इसमें मनी का कोई जिक्र नहीं होता. मनी फ्लो का जिक्र होता है नॉमिनल फ्लो में, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे विस्तार पर डिस्कस किया था. मनी फ्लो होता है जब फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन हाउस होल्ड फर्म्स को देते हैं, तो फर्म्स उनको पैसा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम्स. जैसे फर्म्स उनको लैंड को रेंट देंगी, लेबर को वेजेस देंगे, कैपिटल को इंटरेस्ट देंगे और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट देंगे. और जो पैसा हाउस होल्ड के पास आता है वो दोबारा फ्लो होकर फर्म्स के पास जाता है, क्योंकि फर्म जब गुड्स बनाती है तो वो हाउस होल्ड को सप्लाई करते हैं और हाउस होल्ड उनको पैसा देते हैं. The money which firms, households pay to the firms for the goods and services which they buy, purchase from the firms. उसके बाद मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था कि दो किस्म के फ्लोस, एक है सर्कुलर फ्लो इन ए सिंपल इकॉनमी, टू सेक्टर इकॉनमी, एक पर फर्म्स है एक हाउस होल्ड है. बड़ा विस्तार से मैंने एक डायग्राम बनाई थी जिसके तहत मैंने डिस्कस किया था. अगर किसी बच्चे ने उस लेक्चर को मिस किया है तो यू कैन विजिट अवर यूट्यूब एंड यू कैन सी के वो क्या मैंने डिस्कस किया था. अब उसके ऊपर मैं दोबारा डिस्कशन नहीं करूंगा, अनलेस अगर किसी बच्चों को डाउट है तो वो हमको पूछ सकता है. आज मैं उसी लेक्चर को एक्सटेंड करने जा रहा हूं, दैट इज सर्कुलर फ्लो इन ए टू सेक्टर इकॉनमी विद फाइनेंशियल सेक्टर. सर्कुलर फ्लो इन ए टू सेक्टर इकॉनमी विद फाइनेंशियल सेक्टर. लास्ट टाइम हमने एक सिंपल इकोनॉमी का टू सेक्टर मॉडल डिस्कस किया था जिसमें कोई फाइनेंस की बात नहीं हुई. आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने लास्ट टाइम लीकेजेस एंड इंजेक्शंस की बात की कि जो फर्म्स सेव करते हैं हाउस होल्ड सेव करते हैं वो लीकेजेस बन जाते हैं सर्कुलर फ्लो के. लीकेजेस का मतलब है वो मनी बाहर चला जाता है सर्कुलर फ्लो से, और सर्कुलर फ्लो ढंग से काम नहीं करता है अनलेस कि उसी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट हो जिसको हम इंजेक्शन बोलते हैं, देन सर्कुलर फ्लो विल रिपीट इटसेल्फ. आज मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे फर्म्स और हाउस होल्ड का यह सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता है बाय गेटिंग हेल्प फ्रॉम फाइनेंशियल सेक्टर. क्योंकि किसी भी देश में किसी भी इकॉनमी में फाइनेंशियल सेक्टर का बहुत योगदान है. फाइनेंशियल सेक्टर में आता है बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो मनी का आदान प्रदान करते हैं. मैं इसको डायग्राम से डिस्कस करूंगा. सपोज ये हैं हाउस होल्ड्स, ये हैं फर्म्स, थोड़ा सा पहले से ही पहले की तरह रिपीट होगा, उसके बाद हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करेंगे. हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विसेज, household supply factor services, that is land, labor, capital and entrepreneurship. These are the four factors of production which household supply to the firms. Firms
with the help of these factors of production, produce goods and services and supply firms. Produce goods and services and supply to the households. मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, हाउसहोल्ड फैक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन देते हैं फर्म्स को और फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके हाउसहोल्ड को देते हैं। जब हाउसहोल्ड अपने फैक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स को देते हैं तो फर्म्स गिव मनी फैक्टर पेमेंट्स, फर्म्स पे गिव फैक्टर पेमेंट्स इन द शेप ऑफ रेंट फॉर लैंड, वेजेस फॉर लेबर, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। फर्म्स उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में हाउस होल्ड्स को रेंट देते हैं, वेजेस देते हैं, रेंट प्रॉफिट इंटरेस्ट देते हैं, प्रॉफिट देते हैं। अब जो मनी हाउस होल्ड के पास आ गया जब फर्म्स ने उनको गुड सप्लाई की हाउस होल्ड्स, ये पैसा दोबारा फर्म्स को देते हैं पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। वही पैसा हाउस होल्ड उन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में फर्म्स को देते हैं और इस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता है। हर इकोनॉमी का यह सत्य है कि बिना इस सर्कुलर फ्लो के इकोनॉमीज नहीं चल सकती। अब इसके बीच में एक रोल है जो पिछली बार उस टू सेक्टर मॉडल में, सिंपल मॉडल में उसके लिए कोई स्कोप नहीं था, तो इसमें फाइनेंशियल सेक्टर का रोल आ गया। ये आ गया फाइनेंशियल सेक्टर। मैंने आपसे शुरू में बोला फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है, इट्स बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड वेरियस अदर इंस्टीट्यूशंस, मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस विच डील इन मनी, विच एक्सेप्ट सेविंग्स। फॉर एग्जाम्पल, हाउस होल्ड्स कैन सेव मनी एंड डिपॉजिट विद द बैंक्स। हाउस होल्ड्स, अब हम बता रहे हैं कि हाउस होल्ड जो है कुछ मनी सेव करेंगे और वो फाइनेंशियल सेक्टर को दे देंगे, बैंकों में हमारा मनी, जितने भी बैंक्स हैं उसमें सेविंग्स हमारी होती है, हाउस होल्ड की सेविंग्स होती है। और फर्म्स ऑल्सो सेव एंड डिपॉजिट विद द फाइनेंशियल सेक्टर, फर्म्स भी सेव करती हैं, उनको जो प्रॉफिट होता है वो सेव करते हैं और बैंकों में उसको बाकायदा सुरक्षित उसको पाते हैं और वो बैंकों में जमा करवाते हैं। और फिर कुछ फर्म्स जिनके पास सरप्लस होता है वो सेव करती हैं और कुछ फर्म्स जिनको जरूरत होती है वो बैंकों से लोन लेते हैं। तो इस तरीके से सेविंग्स, ये आ गया सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड, दीज आर सेविंग्स फ्रॉम द फर्म्स, दीज आर बोरोइंग्स फ्रॉम द। अब इसमें एक कंडीशन है, अजम्पशन है कि सेविंग्स डन बाय द हाउस होल्ड्स एंड द फर्म्स शुड बी इक्वल टू द बोरोइंग्स, तभी यह साइकिल, तभी तो यह सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सक्सेसफुली चलेगा, बिकॉज लीकेजेस एंड द इंजेक्शंस, ये इंजेक्शन है और ये लीकेजेस हैं, जो दोनों बराबर हो जाएंगे और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बड़े आराम से काम करेगा। नाउ मूविंग फर्दर एज पर योर सिलेबस ऑन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, लेट मी फर्स्ट डेवलप ऑन सम बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। देर आर वेरियस कॉन्सेप्ट, देर आर वेरियस वेज हाउ नेशनल इनकम अकाउंटिंग कैन बी अप्रोच्ड। देर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, और मैं आज सब लोगों को, सब बच्चों को, सब स्टूडेंट्स को जो सुन रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं इन कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग सिविल सर्विसेज में भी होता है, इन कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग नेट एग्जाम में भी होता है, इनका प्रयोग एसएससी सीजीएल में होता है
और SSC टेक्निकल में जो कोर्सेज हैं उसमें भी होता है। ये बहुत ही अहम पार्ट है, मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा इस वक्त। पहले कॉन्सेप्ट जो आपके स्ट्रिक्टली एज पर योर सिलेबस है, दैट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी। इसको बंद करना पड़ेगा, ये तो नहीं डिलीट किया जा सकेगा। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट टू स्टडी नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज विद रिगार्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज मोस्टली बाई एंड लार्ज वेन यू टॉक अबाउट द डोमेस्टिक टेरिटरी, बाई डोमेस्टिक टेरिटरी ए ले मैन वट ही मीन्स इज द पोलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ ए कंट्री। आपने इंडिया का मैप देखा होगा, हम उसको टेरिटरी बोलते हैं, बट ओनली इन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पोलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड अदर डिसिप्लिन्स। इन इकोनॉमिक्स डोमेस्टिक टेरिटरी हैज इट्स मीनिंग, स्पेशल मीनिंग। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स मैनी अदर थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, डोमेस्टिक टेरिटरी अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल फ्रंटियर्स मीन्स मैनी मोर थिंग्स। वट डज इट इंक्लूड? इट इंक्लूड्स ships, aircrafts, owned and operated. Ships, aircrafts, owned and operated by the normal residents. तो मैं आपको बता चुका हूं कि अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इट इंक्लूड्स the following. Number one, ships, aircrafts, owned and operated by the normal residents of a country. हमारे हिंदुस्तान का जितना ships है जो पूरी दुनिया में माल supply करते हैं, जब वहां से माल लाते हैं, aircraft, जितना भी हमारी air services हैं, जितने aircraft हैं, airplanes हैं, और वो हमारे हैं, they are owned by us. By the normal, because we are the normal resident. इसके बाद जो मैं कॉन्सेप्ट लेने जाऊंगा वो नॉर्मल रेजिडेंट की बात करूंगा, लेकिन वो मैं तब करूंगा जब मैं डोमेस्टिक टेरिटरी को कंप्लीटली डिस्कस करूंगा। एक बार फिर रिपीट करता हूं कि डोमेस्टिक टेरिटरी अपार्ट फ्रॉम पोलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री इंक्लूड्स ships, aircrafts, जितना shipping हो रहा है, जो shipping cargoes है, जितने ships है, हिंदुस्तान के ships है, पूरी दुनिया में जाते हैं, जिस जिस देश का शिप है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया की शिपिंग कंपनी है तो वो ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसका जो पूरा सरफेस है वो टेरिटरी है। एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। नंबर टू, फिशिंग वेसल्स ऑयल एंड नेचुरल रिग्स and natural rigs, floating platforms operated by the residents of a country, by the normal residents of a country. जितने भी फिशिंग vessels हैं जो operate करता है एक normal resident of a country in whole of the world, in the international waters. मैं आपको एक चीज बता दूं, काफी सारे students को यह मालूम नहीं होगा international waters हमारे क्या होते हैं।
जितना भी आपका समुद्र है, सी है, ओशंस है, उनका बाकायदा डिवीजन हुआ है। कुछ इंडिया को बिलोंग करते हैं, कुछ अमेरिका को बिलोंग करते हैं, जो जो भी सी शोर पे कंट्रीज हैं, उनमें जितने फिशिंग वेसल्स हैं, बड़े बड़े वेसल्स, बड़े बड़े जहाज टाइप, बड़ा बड़ा एक बहुत बड़ी बड़ी, मैं क्या कहूं उसको, किश्ती टाइप, जिसको एक फिशिंग वेसल बोलते हैं, जिसके द्वारा फिशिंग की जाती है, जो बड़े बड़े फिशिंग मैन यूज करते हैं, वो हमारी टेरिटरी है। ऑयल एंड नेचुरल रिस्क, आपको मालूम है कि ONGC अपना ऑयल और नेचुरल गैस ओशन से अंदर सीशोर पर, जो हमारे इंटरनेशनल वाटर्स है, वहां से निकालता है, वो हमारी टेरिटरी है। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, आपने ये भी देखा होगा कि समुद्र के बीच में जो हमारे वाटर्स हैं, जो इंडिया के वाटर्स हैं और हर कंट्री के जो वाटर्स हैं, वहां बड़े बड़े प्लेटफॉर्म फ्लोट कर रहे होते हैं, जिसमें एट अ टाइम 100, 150, 200 के करीब एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो एक हमारा एक किस्म का पूरा एक एक लैंड टाइप एक बन जाता है, वो जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितनी एक्टिविटी फिशिंग वेसल में होती है, ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स, जहां ऑयल निकलता है, गैस निकलती है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आप देखेंगे, आपको दूरदर्शन द्वारा कई बार दिखाया जाता है कि उनके ऊपर कई लड़ाकू विमान हो खड़े होते हैं, कई किस्म के और छोटे प्लेन्स खड़े रहते हैं, जो कई किस्म की एक्टिविटीज के लिए हम यूज करते हैं, वो सारा दे आर ऑपरेटेड बाय अस, दे बिलोंग टू अस, दे आर अवर रेजिडेंट, दे आर अवर डोमेस्टिक टेरिटरी, दे आर अवर डोमेस्टिक टेरिटरी। और इसके बाद डोमेस्टिक टेरिटरी में एड होता है ऑल एम्बेसीज, कंसुलेट्स, ऑल एम्बेसीज, एम्बेसीज, कंसुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स located abroad, located outside the world, जितनी भी हमारी embassies हैं, हर मुल्क की embassy दूसरे मुल्क में होती है, हर मुल्क की एक embassy दूसरे मुल्क में होती है, और वो embassy हमारी है। आज दिल्ली में जनपथ पर देखें आप, बहुत सारे मुल्कों की embassies है वहां, सैकड़ों मुल्कों की embassies है। वो जो लैंड है, वो जो एरिया है जिसमें एम्बेसी काम करती है, वो हमारी नहीं है, वो उनकी है। और जो हमारी एम्बेसी फॉरेन कंट्रीज में है, दे आर अवर्स, दैट्स अवर प्रॉपर्टी, दैट्स अवर टेरिटरी। नोबडी कैन, एज पर लॉ, एज पर नॉर्म्स, नोबडी कैन डिस्टर्ब अवर एम्बेसी, कंसुलेट्स, वेयर अवर हायर फॉरेन डिग्निटरी दे गो एंड स्टे, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स। आपको मालूम होना चाहिए हर मुल्क की एक मिलिट्री का कुछ भाग हर मुल्क में हमारा होता है, एज ए गुडविल जेस्चर। ये एम्बेसीज भी गुडविल जेस्चर होता है, कॉन्सुलेट्स भी गुडविल जेस्चर होता है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स भी एक गुडविल जेस्चर होता है, जिसमें एक आपसी भाईचारा कायम करने के लिए इनका अहम योगदान होता है, और जिसमें ये सारे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि कौन से वो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, विच आर नॉट ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी।